आज हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे वो लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके वॉवेल और कॉन्सोनेंट को फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। बेटा अब वॉवेल क्या होता है, वॉवेल कौन कौन से वर्ड वॉवेल होते हैं? तो वॉवेल हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये दोनों वर्ड ठीक है, जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स में क्या आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स हमारे होते हैं, वॉवेल्स को जो हम लोग यूज करते हैं, वॉवेल हमारा हो गया ए, ई, आई, ओ और यू। ओ होता है और क्या होता है, यू होता है, इसके यू, यही ना वॉवेल्स होते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल जो होता है, अब हमको फाइंड करना है कि जो इनपुट नंबर है, जो इनपुट नंबर है वो कौन सा है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, क्या चीज है, ठीक है। तो वो चीज अगर काउंटिंग करना है हमको, तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेन हमारे जो वॉवेल्स होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू, पांच वॉवेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं वॉवेल्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, वॉवेल्स बोलेंगे। और इसके अलावा जो चीज होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक। तो अब हमको प्रोग्राम के थ्रू ये फाइंड करना है कि जो भी इनपुट कैरेक्टर है वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। अब देखिए वॉवेल में, वॉवेल का मतलब क्या हो गया, इन पांचों में से या तो ए हो, या तो ई हो, या तो आई हो, या तो ओ हो, या तो यू हो, इनके अलावा कोई भी कैरेक्टर होगा तो वो वॉवेल नहीं होगा। लेकिन इनके अलावा कोई कैरेक्टर होगा तो ये वॉवेल्स होंगे, इसके अलावा कोई जो कैरेक्टर आएगा वो कॉन्सोनेंट में जाएंगे। तो इस तरह से अब हमको यहाँ पे या लग रहा है, हमने वर्ड जो बोला हूँ मैं बार बार, या तो ए हो, या तो ई हो, या तो आई हो, या ओ हो, या यू हो, यानी इसका मतलब क्या है, वो सब वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स को यूज करना है, यानी अब यहाँ पे हमको कंडीशन नहीं लगाना है कि या तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन हमको नहीं लगाना है। इसकी जगह पे हमको लगाना है या तो ए हो, या तो ई हो, या तो आई हो, या तो ओ हो, या तो यू हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं वॉवेल। तो अब यहीं पर डिफरेंस, तुमको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर और को यूज करना होगा, और लॉजिकल ऑपरेटर और को यूज करने के लिए अब देखिए कैसे हम बनाएंगे प्रोग्राम इसमें। अब इसका प्रोग्राम देखिए कैसे बनेगा, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, ठीक है, या हमने ले लिया एक्स, एक्स इज इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ पे वॉवेल्स को चेक करना है, प्रोग्राम है यहाँ पे तुमको चेक करना है, चेक कर रहे हैं देखिए क्या बेटा क्या हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करना है, चेक इनपुट कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अब हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स इज इक्वल टू, हमने लिखा इनपुट, एंटर योर कैरेक्टर या एंटर योर कैरेक्टर, एंटर योर कैरेक्टर। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने इंट नहीं लगाया, अब बता सकते हो इंट क्यों नहीं लगाया हमने, क्या चीज, क्या नहीं होता है? अरे सर बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग को इंटीजर यूज नहीं कर रहे हैं सर, अल्फाबेट कर रहे हैं सर, इस वजह से। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो अल्फाबेट पे है, हमको तो इंटीजर यूज नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्या किया है कि एज अ कैरेक्टर इसको यूज करना है, ठीक है। तो हमने मैसेज दे दिया इनपुट इंटर योर कैरेक्टर, ये आ चुका है, ठीक। अब यहीं पे कंडीशन लगाते हैं, ए एक्स इज इक्वल इक्वल टू,
एक्स इज इक्वल इक्वल टू, अब चूंकि ए है वॉवल को चेक करना है तो ए जो है सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है, ए और एक्स इज इक्वल इक्वल टू ई और एक्स इज इक्वल इक्वल टू ए ई आई, तो आई भी सिंगल कोट्स में, आई और एक्स इज इक्वल इक्वल टू ए ई आई ओ और एक्स इज इक्वल इक्वल टू ए आई ओ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कोलन लगा दिया है। तो अब यानी इसका मतलब अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो हम जानते हैं कि और के केस में क्या होता है, कि और के केस में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि और के केस में क्या होता है, याद करो जब हम लोगों ने और का सिंबल बनाया था, गेट का बनाया था और का, तो कुछ ऐसे बना था और यहाँ पे और की खासियत यही होती थी कि अगर कंडीशन वन सी वन सी टू और रिजल्ट, यहाँ पे ऐसे बना था रिजल्ट, ठीक है, और अगर इन दोनों में से अगर जीरो जीरो पे क्या आ रहा था, जीरो जीरो पे हमारा जीरो आता है, जीरो वन पे वन आता है, वन जीरो पे अगेन वन आता है और वन वन पे भी क्या आता है, वन आता है, करेक्ट है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वॉवल्स के केस, कि और के केस में हमारा सारा कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई भी ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो अब यानी इसका मतलब क्या हो गया, हाँ यहाँ पे अब हमने x इज इक्वल इक्वल टू ए और x इज इक्वल इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू आई और u, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट। हेलो, हाँ बेटा बोलो। अच्छा सर, हम ये बोल रहे हैं जो हम लोग सिंगल अपोस्ट्रोफी या फिर डबल अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डबल भी यूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन होता है सर? नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पाइथन में क्या हुआ, पाइथन में कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, तो तुम यहाँ पे सिंगल कोट यूज करो डबल कोट यूज करो कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अच्छा ठीक है सर। वॉवेल हो गया, ठीक है, एल्स अब देखिए, एल्स प्रिंट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको हमने रन करा दिया, इस प्रोग्राम को हमने रन कराया, रन मॉड्यूल, वॉवल्स हमने इसका नाम रख दिया वॉवल्स, ठीक है। अब देखिए, अब बेटा इसको जब रन कर रहा है, जब आ गया इंटर, जो कैरेक्टर मांग लिया, अब हमने कैरेक्टर में दे दिया ई, हमने कैरेक्टर में क्या दे दिया, स्मॉल ई। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट कैरेक्टर इज वॉवेल आ गया, इनपुट कैरेक्टर इज क्या आ गया, वॉवेल आ गया ना बेटा। अब इसी तरह से अगर हमने मान लो यहाँ पे हमने दे दिया जेड, हमने क्या दे दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये गलत कुछ दूसरा ले लिया, यहाँ पे ये उठा लिया, इसको बंद कर दिया। अब जैसे इसको हमने फिर वो किया, रन कराया, ठीक है, इंटरव्यू कैरेक्टर हमने मान लो लिख दिया इंटर कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो इनपुट कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट, दिखा रहा है ना कॉन्सोनेंट सिद्धार्थ? यस सर। लेकिन यस सर, रन हो, हाँ दिखा रहा है, लेकिन अगर हमने इसको फिर रन कराया, हमने इस प्रोग्राम को फिर से रन कराया, एक इसमें गड़बड़ी आएगी, अभी देखो क्या गड़बड़ी आएगा। देखो एंटर योर कैरेक्टर, हमने कैपिटल ए किया, हमने क्या कर दिया, कैपिटल ए, तो देखो कैपिटल ए पे क्या ये प्रिंट करेगा, इनपुट कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट, जबकि कैपिटल ए कॉन्सोनेंट नहीं है, ये क्या चीज है, वॉवेल है, वॉवेल है ना। तो अब तो एक तरीका है सर इसके लिए,
हाँ बताइए क्या कर रही है। वॉवेल, या तो जो हम लोग ये कमांड लिखे हैं सर पूरा, एक्स इज डबल इक्वल टू सिंगल अपोस्ट्रॉफी ए, ठीक है, हाँ इसके आगे अगर हम लोग और कंटिन्यू करें और एक्स इज डबल इक्वल टू कैपिटल सिंगल अपोस्ट्रॉफी कैपिटल ए, ई कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल कैपिटल आई यू, सर कैपिटल ओ कैपिटल वो बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ तो बड़ा भी हो वही जाएगा। तो करना पड़ेगा। बेटा इसको तुम लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको नोट कर लो, हम तरीका बता रहे हैं उसका, इसको भी नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अभी हम बता रहे हैं उसका भी तरीका, एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कि वो आप आगे यूज भी कर सकते हैं सीधे जो है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। हाँ बताइए सर। ओके बेटा अब देखो, इनपुट कैरेक्टर इज वॉवेल एज इनपुट कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। अब इसका जो तरीका है, हम करते क्या है इसमें कि ये जो एक्स वाला पार्ट है इफ, ऐसे हटा दो उसको, ठीक है, और यहाँ पे लिखो इफ एक्स इन स्पेस देखे इन, एक हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, इन इन वाले में एक ऑपरेटर देखा पढ़ा गया था इन एक्स इन, और यहीं पे सिंगल कोट्स में ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ए आई ओ कॉमा यू कॉमा ए आई ओ यू कॉमा कैपिटल ए सिंगल कोट छूट गया कॉमा, वही सेम चीज कैपिटल ई कॉमा आई कॉमा ए आई फिर कैपिटल ओ फिर कॉमा कैपिटल यू ए आई ओ यू। अब देखो दिख रहा है तुम लोगों को सर ए इन हाँ वाला नहीं समझ आया सर, इन का यहाँ पे यूज करना सर। इन इन ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर, एक यूज ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है, ये क्या करता है कि एक्स में जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, एक्स में जो भी चीज एंटर होगा अगर वो इससे मैच कर रहा होगा, अगर वो इससे क्या करता है मैच करता है तो ये कंडीशन को ट्रू मानता है, ये कंडीशन को ट्रू इवेलुएट करेगा। सपोज करिए ये कंडीशन को ट्रू मारे मांगे मानेगा, और इफ के साथ अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर जो भी चीज होता है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज क्या होता है अगर ये नहीं ट्रू होगा तो ये वाला मानेगा। अब देखो इसको जब हम रन करा रहे हैं यहाँ पे, देखो सेम प्रोग्राम को, तो आ रहा है एंटर योर कैरेक्टर, हमने दिया कैपिटल यू दिया, ठीक है, तो एंटर योर कैरेक्टर कैपिटल यू, तो यू का मतलब क्या हो गया वॉवेल आ गया, देखो इनपुट कैरेक्टर इज अच्छा वॉवेल आता है। अब अगर हमने यहाँ पे यानी यानी ये क्या कर रहा है कि एक्स में जो भी वैल्यू होगी, अब जैसे अगर मान लीजिए हमने एक्स में हमने रन कराया, एक्स में कैपिटल जेड प्रेस किया, एक्स में कौन सी वैल्यू आ गई कैपिटल जेड, तो कैपिटल जेड क्या आएगा कॉन्सोनेंट होगा, तो यानी इसका मतलब जब अच्छा कैपिटल जेड हम प्रेस कर रहे हैं तो एक्स में कैपिटल जेड आ गया, और कैपिटल जेड इसमें है बोलो नहीं सर, नहीं है, तो यानी ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, यानी ये कंडीशन जब फॉल्स हो गया तो ये एल्स पार्ट पे चला जाता है, तो ये इनपुट कैरेक्टर ही कॉन्सोनेंट। तो हम इस तरह भी नंबर्स को या कैरेक्टर्स को दे सकते हैं, ये भी एक तरीका है, इसीलिए अच्छा हमने ये दो बताइए सर, हैं ये बताइए अगर हम लोग जो इफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हम लोग अंदर रखे हैं सर वॉवेल कैपिटल और स्मॉल में, अगर इफ एक्स की जगह पे ना रख के एक्स की जगह पे अगर इनमें से कोई एक फिल करके देखे तो एरर आएगा क्या फिर? इसकी कौन सा आएगा रन। मतलब मान लीजिए जो लिखे नहीं है इफ एक्स इज इक्वल टू ए आई यू कैपिटल जो भी है, अगर हम लोग एक्स की जगह पे इफ मान लीजिए कोई भी ले लीजिए इसमें से ई ही ले लीजिए, इफ ई इज ई इन ए आई ओ यू फिर यहाँ कैपिटल, तो कुछ हाँ एरर तो आएगा? समझ गए तुम्हारी बात, अगर हमने मान लो ये लिखा है, ठीक है, ये लाइन हाँ लिखा है, तो हमने एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल ए ले लिया, ठीक है, और तुम्हारा कहने का हाँ मतलब यहाँ है कि यहाँ पे ए हम यूज कर रहे हैं, यही ना कह रहे हो इसी तरह से, तो हाँ सर एरर नहीं हाँ आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो एज अ वेरिएबल है, तो वेरिएबल का हमने बताया था कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है
कि वेरिएबल का मतलब एक बॉक्स ऐसे बन गया, एक टेम्पररी लोकेशन हो गया। वेरिएबल का डिफिनीशन देखिए बताया था हमने, ये टेम्पररी डिफिनीशन हो गया ए, ठीक है। अब यहाँ पे इस कमरे में, इस बॉक्स में आप कोई भी वैल्यू रखें, आप चाहें तो ए ही रखें इस वैल्यू में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये वेरिएबल नेम है, ये क्या चीज है, ये है वेरिएबल, ठीक है, ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल, और ये जो चीज है ये वैल्यू है, ये क्या चीज है, वैल्यू, और उस वैल्यू से इस वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल एज अ कंटेनर होता है, वेरिएबल क्या चीज होता है, एज अ कंटेनर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको, ये आपने इस तरह कहा ना, अब देखिए यहाँ पे ए हमने डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिखने का मतलब कि यहाँ पे एक कंटेनर है, एक एक वेरिएबल है, और यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में लिखा है, इसका मतलब ए जो है हमारा एज अ वैल्यू है, इसीलिए इसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं आप। इसीलिए वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमने बताया था कि कभी भी वेरिएबल नंबर में नहीं होता। वेरिएबल जब हम, अब जैसे यहाँ पे हम वन ए लिखा है, ए की जगह पे हमने टू लिख दिया, टू इज इक्वल टू इनपुट, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि टू क्या है, एक वैल्यू है। तो वेरिएबल अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए हमने लिख दिया तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, देखो हम रन करा रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि वो एज अ कंटेनर है। अब कंटेनर में भी हमने देखे, अब देखिए इंटर योर कैरेक्टर, अब कैरेक्टर में हमने मान लिया कैपिटल एच दे दिया, ठीक है, तो एच एच कहाँ जाएगा, इनपुट कैरेक्टर जिस कॉन्सोनेंट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, एक आपको समझना है कि ये वेरिएबल है और ये उस वेरिएबल की इतनी सारी वैल्यू है, और इन वैल्यू में कोई भी वैल्यू जो एक वैल्यू सेलेक्ट करेगा, इसीलिए इन लिखा गया। इसी तरह से इसी प्रोग्राम को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, देखो ये भी बता दे रहे हैं दूसरा तरीका, ये बेटा नोट कर लो, तुम लोग नोट कर लो। अच्छा सर सुनिए, सर मान लीजिए अगर हम लोग इसी प्रोग्राम में इंट या फिर फ्लोट का यूज करें तो कुछ फर्क नहीं ना पड़ेगा सर? कैसे करोगे, हमने यहाँ पे इंट तो लिखा ही नहीं है, बोलो, यहाँ पे तो इंट हमने लिखा ही नहीं, मान लीजिए तो अगर हम लोग लिख दे सर वहाँ पे इंट या फिर फ्लोट लिखें तो कोई और आउटपुट पे फर्क पड़ेगा सर? रिजल्ट में एरर आएगा। हम अगर हमने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया यहाँ पे या फ्लोट इसको लिख दिया, तो इसको कैसे कंपेयर करोगे, ये कैरेक्टर है। देखो तीन तरह का वैल्यू होती है, एक कैरेक्टर होगा, एक इंटीजर होगा, एक फ्लोट होगा, ठीक है। तो ये इंटीजर का मतलब नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्लोटिंग का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें डेसिमल नंबर, और कैरेक्टर अलग एक वैल्यू होता है। तो कैसे वो होगा, कैसे मैच करेगा, बोलिए। हाँ सर इसको रन रन कराइए एक बार। हाँ रन करा रहा हूँ, बोलो। और उसमें अल्फाबेट की जगह कोई नंबर रख के देखिए, नंबर देंगे कांस्टेंट में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ तो उसको सही करने के लिए क्या करें हम? इसको सही करने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहा, हमने यहाँ पे एल्स दिया है ना, यहाँ पे एल्स पार्ट लिखा है ना, तो हाँ। इसको सही करने के लिए यहाँ लिखिए एलिफ एलिफ, हाँ एलिफ एलिफ लिख करके, और ये जो हमने लिखा है ये ए वाला लिखा है ना, ये लाइन आप यहाँ पे यही चीज आप इसको ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख करके, और यहाँ पे जितने भी बच रहे हैं, जैसे इनके अलावा जो बचते हैं, जैसे बी सी डी ई, सॉरी ई नहीं, ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे बी, ठीक है, तब वो कॉन्सोनेंट में जाएगा, बी सी डी F, समझ गए सर, सारे कॉन्सोनेंट है ना, इसका हम आगे जब पढ़ेंगे, मतलब बस वही। हाँ तो कहाँ पे हैं आप? और ये चीज यूज करके, एलिफ यूज करके आप बना सकते हैं इसको। अच्छा सर, सर मान लीजिए इफ में भी अगर हम लोग कोई सेम कैरेक्टर यूज कर रहा है, एलिफ में भी कोई सेम, तब एरर आ जाएगा ना फिर? नहीं नहीं एरर नहीं आएगा, जानते हो क्या होगा, जो पहला जो करेक्ट मिल, जहां पे पहला कंडीशन मिलता है, हमने बताया था कि इफ एल्स में भले एक ही कंडीशन चारों में लिखा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन जो पहला मैच करता है, जब पहला मैच कर जाएगा, कंडीशन टू हो जाएगा, तो बाकी जो तीन होते हैं वो ऑटोमेटिक उसको फॉल्स कर देता है, वहां जाता ही नहीं है, जहां पे पहला मैचिंग मिल गया वहीं पे प्रोग्राम को रोक देता है, उसको प्रिंट करके प्रोग्राम को रोक देगा, समझ में आ रहा है? अच्छा मान लीजिए यहीं पे जैसे if a is equal to पूरे वॉवल्स लिखे हैं, और एलिफ में भी मान लीजिए सारे कॉन्सोनेंट के साथ हम ए बी इंटर कर दे रहे हैं, ठीक है, और जब उसको आउटपुट लेंगे तो ए अगर हम लोग इंटर यो कैरेक्टर में प्रेस करें, तब हमारा आउटपुट वही आएगा, इनपुट कैरेक्टर इज वॉवल,
फर्स्ट आएगा। हाँ हमने ठीक है बोला सर, ना, समझ गए। याद करो हमने पढ़ाया था सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन, याद आ रहा है? तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, हमने बताया था ना कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, लाइन बाय लाइन होता है, पहली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी फिर दूसरी लाइन होगी, होगी याद आ रहा, याद आ रहा है? अब यहाँ पे जब मल्टीपल और वो अगर एक ही लाइन में है तो राइट टू लेफ्ट हो रहा था सर। हाँ, तो अगर अब अगर मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल हमारे पास कंडीशन है, तो जो पहला कंडीशन को पहले मैच करेगा, अगर पहला कंडीशन मैच कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और बाकी जितने भले ट्रू हों सारे कंडीशन उन सबको फॉल्स कर देता है। हाँ लेकिन सर, अगर पहला मैच नहीं किया तब वो सेकंड पे जाता है, सेकंड को मैच करेगा, अगर सेकंड नहीं मैच किया तो थर्ड पे जाएगा, तो थर्ड नहीं मैच किया तो फिर फोर्थ पे जाएगा। यानी वो क्या करता है, इफ आया पहला, इफ खोजा उसने, तो पहला अगर मान लो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो सेकंड इफ एलिफ पे, सॉरी एलिफ पे जाएगा, सेकंड एलिफ पे, फिर वहां सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो भी ट्रू नहीं मिला तो थर्ड एलिफ पे जाएगा, और अगर वहां पे थर्ड पे मैच कर गया तो थर्ड को के अंदर मैच करने के बाद उसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं इवेलुएट करेगा, उसको टू इवेलुएट करके जो भी चीजें लिखी होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और सीधे कंट्रोल बाहर हो जाएगा, चाहे उसके बाद कितने भी कंडीशन क्यों ना लिखे। तो मेरा है, तो पहला टॉप टू हाँ सर, बॉटम हमेशा फ्लो होता है प्रोग्राम का, और एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, समझ समझ गए सर। में आ रहा है ना? तो ये सब बेटा थोड़ा सा सर ये, ऐसे बहुत सारे माइनर माइनर डाउट्स थे सर, हाँ क्लियर हाँ हो गए क्योंकि सर। ये आप जान लीजिए, भले पांच कंडीशन हमारी लिखी है, पांचों कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, हमने पांचों कंडीशन ट्रू लिखा है, तो जो पहला कंडीशन ट्रू मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और बाकी जो कंडीशन चार होंगे उनको फॉल्स कर देगा, वो अपने तरफ से फॉल्स कर देता है, क्योंकि वो फॉल्स करने का मतलब वो यहाँ जाएगा ही नहीं, खाली पहले ही पे जाएगा और पहले से ही सीधे वो बाहर हो जाता है, वो वहां पे जाता ही नहीं है, समझ रहा है? तो ये चीज, ठीक। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे एक एक प्रोग्राम। अब हम लोग का इफ एल्स का मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो गया है, अब हो सकता है कल से हम, हो सकता एक दो प्रोग्राम और बता देंगे, कल से हम लोग व्हाइल लूप, सॉरी लूपिंग स्टार्ट करेंगे, इटरेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्लास में रहिए, क्योंकि इटरेशन अगर छूटेगा, ये बहुत सारी बारीक बारीक चीजें हैं, और इटरेशन और इफ एल्स डिसीजन मेकिंग ये छूट गया तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग का मेन बेस है, इसी पे सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। नहीं गर्म नहीं हुआ था, स्कूल का मतलब हमारा ही है, लेकिन स्कूल का ही, स्कूल में, ठीक है सर, ओके ठीक सर, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको थैंक मिस यू मत करिएगा, कल भी करना, क्लास करना जरूरी है, ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने दिया, थैंक यू सो मच।